आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करते हैं फुलेरा दूज के बारे में। फुलेरा दूज का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस दिन कुछ मंत्रों का जप करके अपने जीवन में हो रही परेशानियों को आप रोक सकते हैं। आइए फुलेरा दूज के इन खास पर्व के अवसर पर जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ खास मंत्र, जिनका उच्चारण करने वाला व्यक्ति जीवन में अपनी हर इच्छा को पूरा करता है। आइए जानते हैं पहले भगवान कृष्ण के मूल मंत्र के बारे में। मूल मंत्र है क्रम कृष्णाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान के इस मूल मंत्र का जप करने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है, अतः व्यक्ति को नियमित रूप से इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र भगवान का जीवन में आने वाली आपकी रुकावट को दूर करता है। मंत्र है ओम श्रीम नमः। उपरोक्त कृष्ण मंत्र का जप करने से मानव जीवन में आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र को श्री कृष्ण की साधना मंत्र कहा जाता है। ज्योतिष की मान्यता है कि ये मंत्र 108 बार करने से भी सिद्ध होता है। भगवान का जो अगला मंत्र है ये है गोकुल नाथाय नमः, और इसकी मान्यता ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो काफ़ी समय से अधूरी हो और पूरी ना हो रही हो, उन्हें ऊपर दिए गए मंत्र का जप करना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण के इस मंत्र का लगातार 11 दिनों तक जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण का ये जो मंत्र है ये इस प्रकार है, क्लीम ग्लो क्लीम श्याम मंगलाय नमः। और ज्योतिष शास्त्र में ऊपर दिए गए श्री कृष्ण से संबंधित मंत्र को श्री कृष्ण भगवान का तांत्रिक मंत्र कहा गया है। मुख्य रूप से इसका जप साधकों द्वारा किया जाता है, परंतु किन्हीं हालातों में जैसे आर्थिक स्थिति के कमजोर होने पर इस मंत्र का जप किया जा सकता है। भगवान जी का अगला मंत्र है ऐं क्लीम कृष्णाय हिम गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा हृसो। उपरोक्त मंत्र का 21 दिनों तक लगातार जप करना लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का रोजाना जप करता है उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र का जप करने वालों पर अधिक प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। इस पोस्ट से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।